इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट आपको उस स्थिति के आधार पर दी जाएगी जिसके लिए आपका इलाज किया जा रहा है। स्वचिकित्सा न करें। उपचार की खुराक और अवधि आपके डॉक्टर द्वारा रक्त परीक्षण, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि जैसी कुछ जांचों के बाद तय की जाएगी। हमेशा एक ही समय पर हर दिन दवा लें ताकि खुराक छूटने से बचा जा सके। इसे बिना तोड़े या चबाए एक गिलास पानी के साथ पूरा निगल लें। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई अवधि तक इसे लेना जारी रखें। हालांकि आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट के कुछ दुष्प्रभाव हैं जैसे सिर दर्द, मतली और स्तन दर्द। इससे मासिक धर्म के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो सकती है। घबराएं या घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से पूछें कि इनसे कैसे निपटा जाए और आप इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि वे अभी भी बेहतर या खराब नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट के साथ इलाज शुरू करने से पहले आपको हमेशा डॉक्टर से पहले के किसी भी मेडिकल हिस्ट्री जैसे डायबिटीज, डिप्रेशन, दिल या लीवर की बीमारी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप नियमित रूप से कोई अन्य दवाइयां ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को उनके बारे में भी सूचित करना सुनिश्चित करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दवाएं आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट के काम में हस्तक्षेप कर सकती हैं या इसे कम प्रभावी बना सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को डॉक्टर से चर्चा किए बिना इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी अन्य संदेह के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करने में संकोच न करें। आइसोफिट टैबलेट के उपयोग। महिला बांझपन का इलाज, मासिक धर्म के दौरान दर्द का इलाज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS का उपचार, एंडोमेट्रियोसिस का उपचार। आइसोफिट टैबलेट के लाभ। महिला बांझपन का इलाज। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट गर्भावस्था के लिए गर्भ की परत तैयार करके बांझपन में मदद करता है। यह मासिक धर्म की अवधि के नियमन और बार बार होने वाले गर्भपात को रोकने में भी मदद करता है। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट उन महिलाओं में सफल गर्भधारण की संभावनाओं को बढ़ा सकता है जिनका बार बार गर्भपात का इतिहास रहा है। मासिक धर्म के दौरान दर्द का इलाज। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट मासिक धर्म के दौरान पेट दर्द और ऐंठन से राहत देता है। एक दर्दनाक अवधि आपके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। आराम करने की कोशिश करें, तनाव कम करें और असुविधा को कम करने के लिए बहुत सारे गर्म तरल पदार्थ पिएं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS का उपचार। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम शारीरिक और भावनात्मक गड़बड़ी का एक संयोजन है जो तब होता है जब एक महिला का मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट PMS के लक्षणों जैसे कि सूजन, थकान, मूड में बदलाव को कम करने में मदद करता है। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट PMS से जुड़े दर्द, ऐंठन और सिरदर्द से भी राहत दिलाता है। कुल मिलाकर यह दवा बेचैनी को कम करने और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करेगी। जीवन शैली में बदलाव जैसे नियमित व्यायाम, योग, स्वस्थ आहार और भरपूर नींद लेना भी सहायक हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का उपचार। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां एंडोमेट्रियल ऊतक जो गर्भाशय के अंदर की रेखा होती है के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ता है। मुख्य लक्षणों में आपके निचले पेट या पीठ में दर्द, मासिक धर्म में दर्द, सेक्स के दौरान और बाद में दर्द, कब्ज, दस्त और गर्भधारण करने में कठिनाई शामिल हैं। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट गर्भाशय के बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक की वृद्धि को रोकता है और इस प्रकार आपके लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। आइसोफिट टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। आइसोफिट के सामान्य दुष्प्रभाव। सिर दर्द, जी मिचलाना, ब्रेस्ट दर्द, माइग्रेन, मासिक धर्म विकार, स्तन मृदुता। आइसोफिट टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, क्रश या तोड़ें नहीं। आइसोफिट 10 मिलीग्राम टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।